श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा, लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की कथा। शिवजी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इसी बीच विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान से तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है।